हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्म बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा मोड़ सामने आ गया है। मामले में अब ऐसा सबूत सामने आया है जो जांच की कड़ी में बेहद अहम साबित हो सकता है। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट से ड्रग की साजिश होने का शक गहरा रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट की माने तो सुशांत की मौत का नारकोटिक्स लिंक होने की बात निकलकर सामने आ रही है। चैट्स के कुछ अंश अब सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि ये रिट्रीव चैट्स हैं जिन्हें रिया ने पहले डिलीट कर दिया था। पहली चैट रिया और गौरव आर्या के बीच की है। बता दें कि गौरव वही शख्स है जिन्हें आरोपी ड्रग डीलर बताया जा रहा है। इस चैट में लिखा है, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया। इस मैसेज को रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव को भेजा। वही दूसरी चैट भी रिया और गौरव के बीच की है, जिसमें रिया ने गौरव से पूछा है, तुम्हारे पास एमडी है? यह एमडी का मतलब एमडीएमए से है। एमडीएमए एक तरह का ड्रग है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बता दें कि एक चैट ऐसी भी हाथ लगी है जो कि 25 नवंबर 2019 की है। इस चैट में रिया चक्रवर्ती से जया कहती है, चाय कॉफी या पानी में 4 बूंद डालो और उसे पीने दो, असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। बताया जा रहा है कि रिया इस ड्रग्स को पानी, चाय या फिर कॉफ़ी में 4 बूंद मिलाकर देने की इंस्ट्रक्शंस घर में मौजूद नौकरों को दिया करती थी, चाहे वो दीपेश हो या फिर हो नीरज। अब आप इस ताज़ा अपडेट से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सुशांत का केस है वो कितना ज़्यादा पेचीदा है और वो कितना ज़्यादा उलझता जा रहा है, क्योंकि अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार रिया ने ऐसी हरकतें सुशांत के साथ क्यों की। इस वीडियो में इतना ही।